इश्क नबी सीने में बसाना सबके बस की बात नहीं। इश्क नबी सीने में बसाना सबके बस की बात नहीं। और याद नबी में अश्क बहाना सबके बस की बात नहीं। याद नबी में अश्क बहाना सबके बस की बात नहीं। याद नबी में अश्क बहाना सबके बस की बात नहीं। हजरत ईसा की ठोकर से कलमा पढ़वाना सबके बस की बात नहीं। घर से कलमा पढ़वाना सबके बस की बात नहीं। घर से कलमा पढ़वाना सबके बस की बात नहीं। बेशक ये तो तमाम पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए, हमारे आपके आका को अल्लाह ने तमाम नबियों का सरदार बनाकर भेजा। इश्क नबी सीने में बसाना सबके बस की बात नहीं। याद नबी में अश्क बहाना सबके बस की बात नहीं। हजरत ईसा की ठोकर से बोल उठे मुर्दे, लेकिन कंकर से कलमा पढ़वाना सबके बस की बात नहीं। कंकर से कलमा पढ़वाना सबके बस की बात नहीं। बेशक रहमत और नूर की बरसात नहीं आएगी फिर कभी इतनी हसी रात नहीं आएगी। गोद में लेके मोहम्मद को हलीमा ने कहा जग में अब ऐसी कोई जात नहीं। जग में अब ऐसी कोई जग में अब ऐसी कोई जात नहीं आएगी। बेशक गोद में लेके मोहम्मद को हलीमा ने कहा जग में अब ऐसी कोई जात नहीं आएगी। बेशक नाते रसूल का मतला पेश कर रहा हूं। इस महफिल में कुछ लोग हैं जो मदीने गए हैं, कोई साहब हैं? अगर कोई साहब हो तो हाथ खड़ा करें जो मदीने शरीफ गए हैं, उमरा किया है या हज किया है। कोई नहीं है। दुआ करता हूं कि अल्लाह हर मोमिन को सरकार के रोजे का दीदार नसीब फरमाए। आमीन। अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा है तो जिंदगी में एक बार हज करना हर मोमिन पे फर्ज है। ताखिर ना करें, जस्तजू करें, तैयारी करें, इंशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह के रसूल का बुलावा जरूर आएगा। लेकिन मदीने शरीफ जाना कौन कौन चाहते हैं, हाथ उठाकर बताएं। सभी चाहते हैं तो सुने, ये नाते पाक पेश कर रहा हूं। दीवाने क्या कह रहे हैं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से। मेरे पास कोई दौलत ऐ मेरे नबी नहीं है, तेरा गम रहे सलामत मुझे कुछ कमी नहीं है। ऐसा बात तू जाके तैबा मेरे मुस्तफा से कह दे, ऐसा बात तू जाके तैबा मेरे मुस्तफा से कह दे कि यहां जी रहा हूं लेकिन कोई जिंदगी नहीं। जब भी किसी हाजी को या उमरा करने वाले को हम आप रवाना करते हैं तो बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हर मोमिन चाहता है कि काश जिंदगी में अल्लाह एक मौका दे जो वो भी हज करने जाए या उमरा करने जाए। सबके दिल की तमन्ना चंद शेर पेश कर रहा हूं। दीवाने क्या कह रहे हैं, समाज रमाए। ऐ मेरे शहबत Oh,
म्यूजिक से थोड़ी आवाज ऊपर, म्यूजिक बढ़िया है, बस मेन वॉइस है थोड़ी सी ऊपर, बस समझ में आता रहे। बहुत अच्छा सॉन्ग। वो मंजर जो एक बार मदीने शरीफ का दीदार कराता है, सरकार के रोजे का या खाना काबा का तवाफ जिंदगी में नहीं भूल पाता। अल्लाह ने वो खुश नसीबी मुझ नाचीज को अता फरमाई, हज कराया। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप सबको हाजी बनाए। आमीन। ऐ मेरे शहबत हा, ऐ मेरे शहबत हा, कब मुझे बुलाओ। सरकार के नाम का सदका अल्लाह और दौलत से नवाजे। दुआ करता हूँ कि अल्लाह हर मोमिन को सरकार के रोजे का दीदार नसीब फरमाए। जिन्होंने कर लिया है अल्लाह ना दोबारा नसीब फरमाए। आमीन। दूल्हा मियां सद्दाम भाई आओ, मैं उनके बहनोइयों से भी तवज्जो चाहूंगा। नाम नहीं जानता। सबीन खान साहब, तमाम अहले खाना, तमाम रिश्तेदार, तमाम हाजरी ने महफिल से तवज्जो। ऐ मेरे शहबतिया, कब मुझे बुलाओगे। ये इमरोज खान साहब, सॉरी समरोज खान साहब, माशाल्लाह ये बहुत सारा नजराना मोहब्बत सरकार की। ये जिंदगी जो मोहब्बत के नाम लिख देगा, खुदा भी उस पे जहन्नम हराम लिख देगा। ये जिंदगी, प्रधान जी तवज्जो, ये जिंदगी जो मोहब्बत के नाम लिख देगा, खुदा भी उस पे जहन्नम हराम लिख देगा। नबी के इश्क में मरने का अज़्म तो कर ले, अरे खुदा तेरा भी शहीदों में नाम लिख देगा। ये दूल्हा मियां के बहनोई साहब ने हौसला बढ़ाया, बहुत शुक्रिया। ऐ मेरे शहबतिया, कब मुझे बुलाओगे, कब हसीने रोजे की, कब हसीने रोजे की, अरे जालियां दिखाओ। माशाल्लाह मुझे खुशी है कि भाई ने ये खूबसूरत प्रोग्राम रखा है। आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह और नवाजे। मैं शुक्रगुजार हूं। दूल्हा दुल्हन के लिए भी दुआ करें, अल्लाह आपस में प्यार और मोहब्बत कायम रखे। तसव्वुर करें सरकारे दो आलम का दीवाने कह रहे हैं। माजिद भाई तवज्जो, तमाम स्टेज पे जो मेहमान, समरोज खान साहब, बरसती है खुदाए पाक की रहमत मदीने में। तड़प है मुद्दतों से देखने की मेरे।
तेरे सीने में निकलकर काफला जाता है जब हज के महीने दुनिया भूल जाता है आदमी। दुनिया की खूबसूरती कुछ नहीं है जो मदीने चला जाता है वो मंजर है बेशक। मुझे अपनी गरीबी पर बड़ा अफसोस होता है। निकलकर काफला जाता है जब हज के महीने में आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीवाने कह रहे हैं शुक्रगुजार हूं सत्तार भाई दुलामिया का, समरोज खान साहब का, सलमान खान साहब का और कई भाइयों ने हौसला बढ़ाया, सबका शुक्रिया। हर तरफ मदीने रहमतों की बारिश है। सबसे गुंबदी की सबसे गुंबदी की अरे दीद कंपरा भांजे और भतीजे बहुत सारा नजराना दिया सरकारे दो आलम की मोहब्बत में अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया। दीवानों की आरजू या नबी कर दो इनायत की नजर होगा मदीने का सफर आपकी जुदाई का गम मुझे रुलाता है। आपकी जुदाई का गम मुझे रुलाता है।
तवज्जो, आप जितने भी लोग बैठे तमाम वॉलंटियर साहब से भी मैं सभी लोगों से तवज्जो, सलमान भाई और इनके तमाम हमारे सद्दाम भाई के रिश्तेदारों से सभी से तवज्जो, समरोज खान साहब आपकी जुदाई का गम मुझे हसरत को मेरे दिल की हसरत को कब तक मिटाओ सलीम भाई का इस शुक्र भाई के नाम से वाकिफ नहीं हूँ, बहुत शुक्रिया सरकार की मोहब्बत, दीवानों की आरज़ू या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह तमाम हाजरी बहनोई साहब कहां कहां बैठे और दूसरे बहनोई साहब मुझे पता तो लगे कौन से, मैं दूल्हा मियां के बहनोइयों साहब से भी तवज्जो चाहूंगा और तमाम रिश्तेदारों से, खानदान वालों से, तमाम अजीज अकारिब सभी से तवज्जो। या रसूल अल्लाह जब कभी मदीने का कोई जिक्र करता है और ज्यादा बढ़ता है
आखिरी बंद इस कलाम का, लेकिन दिल से समाता मैं। बहुत सारे हमारे भाई इस महफिल में ऐसे भी हैं कि जो जाना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास इतनी दौलत नहीं है, दीवाने हैं लेकिन गरीब है। ये पद पेश कर रहा हूं, समाप्त फरमाए। इस कदर गरीबी है कैसे आऊं मैं पर इनायत कीजिए। आप सबसे पूरी हसरत कीजिए या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। हम गरीबों पर इनायत कीजिए, पूरी हसरत कीजिए। भतीजे आयान साहब, सलमान साहब, फरमाइश है इंशाल्लाह 100 रुपए जरूर पढ़ोगे, बस थोड़ी देर ये दो कलाम पढ़ने, उसके बाद जैसा चाहे फिर गजल याद क्या होगा, क्योंकि शादी का प्रोग्राम है तुझे मालूम है इंशाल्लाह जरूर। लेकिन दीवाने कह रहे हैं गरीब है लेकिन मदीने जाने की हसरत है। इस कदर गरीबी है कैसे आऊं मैं आका। सरकार बुला ले तो बड़ी बात नहीं है। सुभान अल्लाह, हमारे प्रधान जी सामने बैठे हैं, पप्पू प्रधान जी की जानिब से ये 500 रुपए आए हैं, हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। और सबरों सबरों साहब ने भी बहुत सारा हौसला बढ़ाया, मैं भाई का बहुत शुक्रगुजार हूं। इसका दर गरीबी कैसे आऊं मैं आका, आप दर बुला ले तो जाऊं सर के बल आका। मेरे दिल के गुलशन में, मेरे दिल के गुलशन में